आज हम क्या कर रहे हैं शो पे, हम मुइन खान एंड मरियम अंसारी. तुम्हारा शादी के बाद में मरियम अंसारी नाम है चेंज हुआ है? मरियम खान अंसारी. मरियम खान अंसारी की जो कंपैटिबिलिटी एज बहू एंड ससुर, वो हम आज चेक कर रहे हैं और देखते हैं कौन ज्यादा पॉइंट्स लेता है. क्या ससुर बहू को अच्छे से जानते हैं या बहू ससुर को अच्छे से जानती है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? वैस आपकी वाइफ जीतेंगे या अब्बा जीतेंगे? मुझे लगता है बाबा जीतेंगे. और सास को क्या लगता है कि मेरी बहू जीतेगी या मेरे मियां जीतेंगे? ये बहू को जिताएगी क्योंकि कभी कभार मियां बीवी को भी अच्छे से नहीं जानते. और किसको जानेंगे? मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है. मुझे लगता है मरियम जीतेगी. ओए होए, यहाँ जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने आप को बदल लिया है. सास मरियम की साइड है और मियां जो है वो अपने अब्बा की साइड है. आइए शुरुआत करते हैं. पहला सवाल, हाँ मरियम जी, पहला सवाल तुमसे. मुइन खान घर में अपना वक्त ज्यादातर क्या करते हुए गुजारते हैं? वो ज्यादा टाइम जब आते हैं फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं, अपना खाना खाते हैं, फिर क्रिकेट देखते हैं सब बैठ के. अभी रिसेंटली वो ज्यादा क्या कर रहे हैं? आपको क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? अपना घर में जो टाइम होता है वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या करते अपना फ्री टाइम? सोते हुए. बहू सोचो. शादी के बाद घर में टिकी होगी तो उसको पता होगा ना कि ससुर क्या कर रहे हैं. ये तो घूम रहे हैं, कितनी दावतें हो रही हैं रोजाना. हाँ, मैं तो इनको ये बोल रहा था कि भाई घर में रुको, आराम करो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो. आजकल ये अपना सबसे टाइम अपनी अम्मी के साथ गुजार. वो भी गार्डनिंग भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं. को गार्डनिंग हो जाती है बिल्कुल. हाँ. और टीवी भी हो जाता है. अम्मी क्योंकि पिछले 3.5 से 4 महीने से पैरालाइज हुई है बेचारी, शी इज बैड रिटन, तो उनके साथ सभी उसमें स्पेशली तस्नीम की बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स हैं, जो जिस तरह माशाल्लाह ये एफर्ट कर रही है उनकी रिहैबिलिटेशन के अंदर माशाल्लाह. तो ऐसी टाइम गुजरता है घर में अम्मी के साथ बिल्कुल. ओके अच्छा अच्छा चले, अब मैं आपसे सवाल करी हूँ. यहाँ मरियम को तो पॉइंट नहीं मिला, देखते हैं आपको पॉइंट मिलेगा कि नहीं. आपको क्या लगता है कि मरियम ज्यादातर शोर जो है, थोड़ा बहुत शोर, अभी तो नई बहू है अभी तो शोर नहीं मचा रही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो शोर अगर मचाती होगी तो किन बातों पे मचाती होगी? किन बातों पे मचाती? हाँ, ज्यादातर शोर मतलब होता है ना, जरा पैनिक हो जाती है, शोर मचाती है. अपने साथ जायज में एक हेजल भी लेके आई है, उसको जरा सा कोई इधर उधर कर देता तो ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है. जी हाँ. और हेजल आपको पता है कि इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी बिल्ली है, डॉगी है. डॉगी है. अच्छा अच्छा, एक तो हो गया. मैं आपको एक और चांस दे रही हूँ. जी और चांस ले लें आप जिसमें ये जो रेगुलर समवट ट्रू है. ये समवट ट्रू है. मैं हेजल के बारे में ना दे दूं पॉइंट. हाँ वैसे दे दें, दे दें, क्योंकि उससे ज़्यादा इसने कहा था मैं सबसे शोर अपना जिम जाने में मचाती हूँ कि वो जिम जाना है. वजन बढ़ाओ और उसके बाद एकदम जाके वजन. तो जिम जाना बहुत जरूरी है, कल से जाऊंगी. आज भी गई थी. अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है, होता है ना कभी फोन पे बातें होती तो अक्सर घर वालों के बारे में बेटे ने सब कुछ बताया होता है कि तो अब्बू को इस बात पे गुस्सा आता है, अम्मी को इस बात पे, फातिमा को ये चीज होती है. हाँ, फैमिली एक दूसरे से डिस्कस करती है. तुम्हें क्या लगता है मरियम कि मुइन से आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता होगा, या इन्होंने भी बताया होगा, सासू माँ भी बताती है? कोई लेट होता है तो. ओह यस, पॉइंट मिल गया आपको. लेट आता है. दैट इज सो ट्रू. बिल्कुल एक पॉइंट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. बड़ी जल्दी पॉइंट दिया आपने. है ना, यार बैठी थी पॉइंट देने. अल्लाह बेचारी को एक पॉइंट मिल जाए. नहीं, पहला वाला पॉइंट भी सही था. मैंने कहा ज्यादा टाइम फैमिली के साथ ही गुजारते हैं. सारी फैमिली. हां, उसमें फैमिली आ गई. हम वाकई सारे साथ ही बैठते हैं और करते हैं, तो हर किसी के साथ ही. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, आपको क्या लगता है कि मरियम अपने मैके की सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस करती है? मैके की सबसे ज्यादा कौन सी चीज? मेरा ख्याल अपनी वालदा को करती है 100%. कोई सास ससुर इतना बहू को जानता होगा क्या? बिल्कुल सही जवाब. वाओ, जबरदस्त, गुड. ओए होए. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मरियम, अगर मुइन साहब का मूड बिगड़ जाए तो उसको कैसे सही किया जा सकता है? अच्छे खाने से. One of the point वैसे अच्छा है. अच्छा,
कभी होता है ना ऐसे कि एक वो जो जादू वाली छड़ी होती है वो किसी के हाथ में होती है मूड सही करने वाली, वो तो फिर फातिमा है। ओए सही जवाब, इतनी सी टिप देने में पता चल गया। फातिमा प्रिंसेस है, ये गुस्सा चढ़ाती है मुझे घर में, मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा ही चढ़ाती है। फातिमा तुम गुस्सा भी चढ़ाती हो लेकिन बनाती कैसे, वो टेक्निक बताओ भाई। ये खुद मुझे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आंखें दिखाती हो क्या, प्यार से एक्टिंग करती है, नाराज होने की खुद एक्टिंग करती है कि खुद मैं बात ही नहीं करती तो फिर वो आ जाते मेरे पास। ओहो अच्छा, और अगर किसी और से भी मूड ऑफ हो जाए तो पहले तुम्हें मनाना पड़ता है, फातिमा जरा पटाओ, अम्मा भी तुम्हें पटाती हैं और बाकी सभी घर वाले? नहीं वो खुद ही कर लेते हैं। कोई नहीं पटाते मतलब मुझे या बाबा को? तुम्हें पटाते हैं कि उनको मनाओ? नहीं 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 नहीं, कोई तुम्हें वो ना रिश्वत मिलती है तुम्हें वैस की तरफ से? हाँ वो जैसे अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो बोलेंगे जाओ जाओ बाबा से पैसे तो। अच्छा सच सच बताओ, इन दोनों की शादी कराने में तो तुम्हारा कोई हाथ है अम्मा अब्बा को कन्विंस करने में, या ओवैस ने खुद ही किया ये काम? नहीं है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। नहीं आपने, अगर आप याद करें आपने पिछले इंटरव्यू में इनसे पूछा था। मुझे इसके कपड़े तो याद है, वो इंटरव्यू में भूल गए। वैसे वैसे पूछा था ये क्वेश्चन किया था तो इसने जवाब दिया था, मैंने पापा से बोला पापा ने कहा कर लो। बिल्कुल ऐसी है। तो अम्मा को मनाना ज्यादा मुश्किल है वैसे, या अब्बा को मनाना ज्यादा मुश्किल है? डिपेंड करता है, कभी कभार ये नहीं मानती क्योंकि और वो नहीं मानता। अच्छा, वो अलग-अलग बातें होती है ना। हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है क्या बात है। हाँ, क्या बात हो रही है। बिल्कुल मैं शादी, तुम्हारी शादी के लिए तो दोनों, शादी के लिए नहीं मना किया, हम दोनों शादी के लिए तो ये लोग जैसे तैयार बैठे थे कि जल्दी से शादी कर लो। हाँ, हमने कहा करो। दे मेट मरियम एंड भाई व्हेन आई वाज मैरिड आई वाज 23। अच्छा 22 की थी माशाल्लाह। हाँ. तो ये तो 4-5 साल लेट हो गया मुझसे शादी करने में। बाबा ने मुझे बोला यार जाओ यार तुमने क्या किया ये। हाँ. 27 की हो गए तुम। मैंने कहा कोई रिकॉर्ड तो तोड़े घर में। हाँ. कोई खानदान में रिकॉर्ड तो तोड़े। हाँ. तो आजम भी अब उस एज से निकल गया माशाल्लाह। ये रिकॉर्ड मेरे पास ही रहे। उनका नंबर कब आ रहा है? अभी तो खेल रहे हैं। उनका अभी खेल रहा है वो। क्या खेलने के साथ नहीं हो सकती शादी? आपकी भी तो हो गई। नहीं अभी क्रिकेट खेल रहा है ना सिर्फ। अच्छा ये दाविस का शो नहीं है। इस गेम में आएगा तो आपको पता है डिस्ट्रैक्शन भी होती है। यस देयर आर पीपल लाइक आपके लिए बहुत अच्छी चीज है बिकॉज इट्स सुन्नत के आपके ऊपर जब जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है तब भी आप बेटर प्रोफेशनल हो सकते हो। तो इट डिपेंड ऑन हिम, अगर जब वो बोलेगा जाहिर सी बात है उसकी ख्वाहिश है, उसका एहतराम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिकॉज दीवन इज द इंडिविजुअल यू नो के जिसने करना है और जिसने निभाना है। इसीलिए मैं तो बहुत खुश था जब वैस ने बोला जी मुझे पसंद है मैंने करनी। मैंने कहा जबरदस्त, मैंने कहा तो झगड़े होने नहीं थे जिंदगी भर, यही निपटाएगा अपने झगड़े। जैसे मैं घर में बात यह कि हमने भी पसंद की शादी की थी। हाँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं शिकायत करूँ तस्लीम ये करी बच्चों से या अब अम्मी अब्बू से, वो तुम्हारी तो पसंद है? यार तुम्हारी पसंद है जाओ तुम निपटाओ। तुम जाओ तुम्हारा काम जा रहा। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।